अभी अभी दुरौदा थाना क्षेत्र के एगो ज्वेलरी दुकान में जम के बवाल बमबारी सुनी। नमस्कार प्रणाम, हम है और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर आ रहा बा, तो जनिया हमरा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी या बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से रुआ सुने नी प्यार देनी आशीर्वाद देनी वहीं ए भोजपुरी बद कही के रुआ सब्सक्राइब करता नी शेयर करता नी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। के देखा रहल बा दरौंदा थाना के चंचौरा से लगातार जो मामला सामने आ रहल बा कि एगो ज्वेलरी के दुकान में लगातार बमबारी भइल ह। स्थानीय लोग हो हल्ला करता लेकिन केहू नजदीक जाए के नइखे जुगत भिड़ा सकत। रउआ के फिर बता दी कि सिवान जिला के चंचौरा में एगो ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े डकैतन के द्वारा 5 लाख रुपया के लूट के मामला सामने आ रहा बा। रुआ के लाइव देखा रहा बानी भोजपुरी बतकई पर। सबसे पहले देखी कोनी का जोरदार धमाका होता, लोग हो हल्ला कर रहा बा लेकिन केहू नजदीक नहीं जात के अपन जान गंवावे जाई। तो बहुत बड़ा खबर रुआ के भोजपुरी बतकई पर लाइव देखा रहा बानी। सिवान जिला के दरौंदा थाना के चंचौरा मुख्य बाजार के एगो बड़ा ज्वेलरी दुकान में जम के लूट भइल ह। बमबारी होता, धुआं निकल रहल बा जोन की लाइव रोरा भोजपुरी बतकई पर देख रहल बानी। बहुत बड़ा खबर, अहम खबर रोरा के देखा रहल बानी भोजपुरी बतकई पर लाइव। रोरा देखी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी अपना भाषा के चैनल भोजपुरी बतकई पर। लाइव रोरा देख रहल बानी कोनिंगा डकैतन के द्वारा बमबारी कर जाता, केहू नजदीक नहीं जात। स्थानीय पुलिस भी मौका पर नहीं पहुंचल, हालांकि आराम से लूट के 5 लाख रुपया के जेवरात के लूट के डकैतन के द्वारा भाग जाए के जानकारी मिल रहा है। रोड के लाइव देखा रहा बनी फिर बता दी भोजपुरी बतकई पर। सिवान जिला के दरौंदा थाना के चंचौरा बाजार से एगो ज्वेलरी दुकान में डकैती के बाद जम के बवाल भेल, बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बतकई पर। हालांकि ओमे एक आदमी के घायल होके के भी सूचना आ रहा बा। लीला शाह के पोखरा से एक आदमी घायल बाजे सिवान सदर अस्पताल में भर्ती करावल गेल बने। तो बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बतकई पर। सबसे पहले लोग के लाइव देखा रहा बनी अपना भाषा के चैनल भोजपुरी बतकही, रोड़ा सब्सक्राइब करी, शेयर करी एकमात्र अपना भाषा के चैनल भोजपुरी बतकही, अपना भाषा के मान सम्मान बढ़ाई भोजपुरी बतकही, सब्सक्राइब जरूर करी, धन्यवाद। बाद में एक और खबर मिलल है, बहुत बड़ा खबर कि दरौदा थाना क्षेत्र के लीला शाह के पोखरा के समीप अपराधियों के द्वारा एगो युवक के गोली मार दल गई है। गंभीर रूप से घायल सदर अस्पताल में उनका के भर्ती करावल गई बा। घायल युवक के पहचान असरा गांव निवासी हरेंद्र शाह के पुत्र नीरज कुमार शाह के रूप में पहचान भइल ह, जो निजी कोचिंग संस्थान चलावे ले। तो बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बतकई पर। रउरा के बैक टू बैक खबर देखा रहल बनी लाइव भोजपुरी बतकई पर। हर खबर सबसे पहले शेयर करी, सब्सक्राइब करी। नए कंप्यूटर तथा कंप्यूटर के हर सामानों के लिए भरोसा का नाम एराइज कंप्यूटर। एराइज कंप्यूटर विगत कई वर्षों से कंप्यूटर फील्ड में अपना काम करता है, वो भी बहुत ईमानदारी पूर्वक। और जो भी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई समस्या हो या प्रिंटर से रिलेटेड या कैमरे सीसीटीवी वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए एराइज कंप्यूटर में बिल्कुल आ सकते हैं, जो कि उचित दाम में और बाकी ईमानदारी से सारा काम सब कस्टमर के सामने ही होता है। बाकी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, असेंबल डेस्कटॉप, सीसीटीवी और प्रिंटर उचित दाम में यहाँ मिलता है। सिवान के शिव शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो खातिर रिकॉर्डिस्ट चाहिए, संपर्क करें विज्ञान केंद्रीय विद्यालय चनौर। और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। बिलासगिरी आज कमल ड्रेस है, दरबार सिनेमा के सामने शिव मार्केट सिवान। प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और जुमेरात यानी गुरुवार। इस चैनल पर नया बानी सब्सक्राइब नहीं कर लिए चैनल के, तो ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली। भोजपुरी भाषा के मान सम्मान बढ़ाई, भोजपुरी
में ही हमनी के बोले निजा बात करनी जा हर आदमी गांव के बूढ़ पुरनिया माता बहन सारा लोग भोजपुरी समझेला तो भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ाए के बाद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।